इस न्यूज के प्रायोजक हैं ड्रीम क्रिएशन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स हियर द ड्रीम प्रोजेक्ट्स कम ट्रू। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उज्जैन में भी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार मैदान में है। दरअसल उज्जैन में बगैर मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं चालान नहीं भरने वाले लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते सख्ती बढ़ती जा रही है कि जो रोकथाम है इसके लिए जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई दो तरह से कर रहे हैं, या तो उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं अथवा सिविल जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान हमने 65 लोगों को अस्थायी जेल भेजा है और 32 पे चालान की कार्रवाई की गई है। जो चालान पहले तो हम लोग सिविल मतलब अस्थायी जेल में भेज रहे हैं, और कहीं कहीं कोई महिलाएं हैं जो कि मास्क नहीं लगाए हुए, तो महिलाओं पे जेल की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर उन पे चालानी कार्रवाई कर रहे हैं।